फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन के लॉ से स्टार्ट है। न्यूटन के तीन लॉज हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या ना लगा दी जाए फोर्स, तो वो मूव नहीं करेगी। बैक में ठीक है, तो तब तक वो मूव नहीं करेगी। ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, सेकेंड लॉ था नेट फोर्स। नेट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डीपी बाई डीटी। तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, ये सेकेंड लॉ था। इसके बाद थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। ये सब थ्योरी की बातें हैं। बेसिकली इसमें एक ही चीज़ है इस फोर्स और इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि इसको अप्लाई कैसे करना है। थ्योरीज करके तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं है, तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो न्यूटन के लॉज में एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हमने किया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इसमें वो है लीनियर मोमेंटम, जो कि क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम एक था, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स भी एक वेक्टर है। इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम करके एक थ्योरम होती थी जो ये कहती थी कि जो इम्पल्स है वो फोर्स इनटू टाइम है और वो चेंज ऑफ मोमेंटम भी है। इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं अगर आप ई वाई क्यू के अंदर देखेंगे। इसके बाद इम्पल्स करने के बाद जो इसकी एप्लीकेशन थी वो ऐसी थी, आपका जो पहले टाइप की प्रॉब्लम आती थी वो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास मान लो एक ब्लॉक है 10 kg का, आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई आगे और 2 न्यूटन की फोर्स लगाई पीछे, तो नेट फोर्स कितनी लगाई, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस किया 10 इंटू क्या करेंगे इसमें, एक्सेलरेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन का ये है कि जब भी आप इसमें फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स है वो नेट फोर्स होती है। फोर्स नेट फोर्स है, अप्लाइड फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो अगला कॉन्सेप्ट होता था वो होता था आपका पुली का कॉन्सेप्ट है। पुली के कॉन्सेप्ट के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनते थे, ये मास है M1 है, ये मास M2 है, और यहाँ पर क्या होती थी टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी पेयर में होती है, यहाँ टेंशन टी और यहाँ टेंशन टी, इसका वेट कितना है M2g, इसका वेट कितना है M1g। ये मान लो नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, M2g माइनस टी इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी और नीचे की फोर्स छोटी, तो टी माइनस M1g इज इक्वल टू M1a। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं अगर आप ध्यान से देखें, आज हम PYQ करेंगे इसके ऊपर फोर्स के ऊपर, तो आप इसमें चेक करना कि पुली और मासेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा पुली का ही कॉन्सेप्ट है जिसमें ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये मास M3 है, तो इसके अंदर क्या था, इसका वेट कितना है M1g, इसका वेट कितना है M2g, इसका वेट कितना है M3g, और यहाँ पे टेंशन टी एंड टी, यहाँ पे भी टेंशन टी एंड टी, जब स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन चेंज करनी होती है, तो यहाँ पे टेंशन टी डैश एंड टी डैश। तो लेट अस सपोज ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है और ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, M3g माइनस टी डैश इज इक्वल टू M3 इंटू ए। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसके ऊपर की तरफ फोर्स टी है और नीचे दो दो फोर्सेज हैं, तो टी डैश प्लस M2g माइनस टी इज इक्वल टू M2a, और ये क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है तो टी माइनस M1g इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो ये इक्वेशंस बनाने का तरीका है, मतलब आप इसको याद नहीं कर सकते, बस आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से आपने बड़ी में से छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है। मैं आपको आज न्यूमेरिकल्स में लगा के दिखाऊंगा ये सारा कुछ, ताकि आप एकदम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखें। ठीक, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्टैक्ट फोर्स का। इसके अंदर सपोज ये आपके पास एक ब्लॉक है और ये एक और ब्लॉक है, इसमें आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 न्यूटन है, ये 5 kg है और ये 3 kg है, ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ लेट अस सपोज ए, तो ये 5 kg का ब्लॉक इसे फोर्स लगाएगा अंदर लेट अस सपोज टी
या चलो टी, और ये लगाएगा टी, इनकी कॉन्टैक्ट फोर्स है अंदर, ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये 5 kg बनाएं, राइट की तरफ 10 N बनाएं, लेफ्ट की तरफ टी बनाएं, ये 3 kg लें और राइट की तरफ फोर्स क्या लें, टी। तो ये दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं विद सेम एक्सेलेरेशन ए, क्योंकि राइट मूव कर रहा है तो 10 - t नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन है, ये भी राइट मूव कर रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि आप इसके कॉन्टैक्ट फोर्सेस को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो न्यूटन का लॉ है जो कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो फोर्स है d बाई dt ऑफ pp का मतलब क्या होता है, m × v मोमेंटम। तो मास कांस्टेंट है, क्या बचा, dv बाई dt, dv बाई dt क्या होता है, a, तो f = m × a। तो ये लॉ f = m × a यहाँ से बना हुआ है dp बाई dt से, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर कोई लिक्विड या गैस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे एक बैलून है, बैलून में से गैस निकल रही है और उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं dp बाई dt, तो उसके ऊपर d बाई dt ऑफ p का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। गैस के केसेस में मास कांस्टेंट नहीं रहता, इस बैलून का मास चेंज होता जा रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, गैस की बाहर निकलने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनटू dm बाई dt। तो आपको क्वेश्चन में कितने अमाउंट से पानी निकल रहा है या गैस निकल रही है वो dm बाई dt गिवन होगा, गैस की वेलोसिटी गिवन होगी, बैलून का फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, अगर आपके सामने एक पाइप है, पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है, सामने एक दीवार है, कितनी फोर्स लगी इस दीवार पे पानी की, सेम फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास देगा वो dm बाई dt देगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी को dm बाई dt से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है इसके अंदर, जिसमें आप जिसके अंदर एक दीवार गिवन होगी, वो कहेगा एक बॉल आ रहा है विद अ मोमेंटम ऑफ mv, टक्कर होने के बाद बॉल वापस जा रही है विद सेम मोमेंटम mv, आने और जाने का मोमेंटम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, आने और जाने का मोमेंटम सेम है, तो बोलेगा चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जीरो मत बोल देना क्योंकि डायरेक्शन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होगी तो नेगेटिव साइन भी आएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 mv, तो चेंज इन मोमेंटम आपने 2 mv बोलना है। क्या यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल चलते जाएंगे मैं आपको साथ साथ थ्योरी भी रिवाइज करवाता जाऊँगा, तो मैं यहाँ तक जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके बेस पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फोर्स को करने के लिए कोई थ्योरी और फॉर्मूलाज नहीं है, सीधा ही कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।